गाइस अभी हम लोग अमृतसर आ गए हैं, पूरा राइट साइड में ये ट्रेन घुसा दिया। अभी हम लोग जाएंगे सीधा गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे होटल लेंगे, उसके बाद शाम को ये शाम को जाएंगे बागा होटल, 2:30 बजे जाएंगे। उसके बाद क्या क्या अमृतसर रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल 20 रुपीज़ में आप जा सकते हो। और वैसे फ्री बस सर्विस भी चलता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और दिन में श्रद्धालु लोग आते हैं तो थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग जाएंगे ऑटो से ही जाएंगे। मतलब पंजाब आगे कैसा लगा? मोबाइल देखते हम लोग रूम में आ चुके हैं। ये रूम 1500 में हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग नहा धो के जाएंगे गुरुद्वारा जा रहे जलियाना बाग, बागा बॉर्डर, अटोरी बॉर्डर और खालसा कॉलेज वगैरह। ये क्या हो रहे गाइस? हम लोगों का ड्राइवर आ गया। हम लोगों ने पहले ऑटो से भी वो करने वाले थे गुरुद्वार में। रुक, गुरुद्वार में हम लोग जाएंगे 8 बजे के बाद। भैया अभी फास्ट कौन से जगह जा रहे हैं? ये पंजाब का फेमस लस्सी शॉप ज्ञानी लस्सी शॉप। मेरे दोस्त जाएंगे खाने के लिए। पंजाब का फेमस लस्सी ज्ञानी लस्सी। हम लोग सुबह उठ के खाली पेट लस्सी खा रहे, पता नहीं क्या होगा। एक जगह उनका एक चीज़ है ऐसा, मतलब कहीं भी जाना है तो वो पानी डाल के पानी स्पर्श करके जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक पैर धुल जाएगा। ऑटोमेटिक कोई धुल के नहीं है।
टेम्पल के पीछे साइड, यहाँ पे राम जी, कृष्णा जी और गुरु महाराज का नाम दे। अगर आप लोग पंजाब आते तो यहाँ जरूर दर्शन करने के लिए आइए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पेट में खाना नहीं है। ना भागम भाग दो दिन से भाग रहे हैं लेकिन कुछ ना दिख रहा है ना कुछ। कल भी देहरादून में एक ही जगह गए थे, वो भी लेट, वो भी निकाल दिया 10 मिनट के। इधर है मैडम जी, ये गोविंदगढ़ फोर्ट है हमारा यहाँ रणजीत सिंह का, इसके अंदर जाना पड़ता है देखने के लिए, जो दो घंटे लगते हैं। गोविंद फोर्ट जिसका प्राइस है कितना? 400। तो अभी हमारे पास, हाँ उसके अंदर म्यूजियम है लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये टैंक पाकिस्तान का पकड़ा देखिए, और ये टैंक पाकिस्तान का कौन से 1971 में जो बांग्लादेश के साथ वो हुआ था, पाकिस्तान के साथ उस टाइम तो पाकिस्तान था उसके बाद बना बांग्लादेश। अरे घुमाना है, इधर घुमाना है, गाइस खालसा कॉलेज, यहाँ गदर फिल्म का शूटिंग हुआ था। गाइस यहाँ खालसा कॉलेज है, गदर 1 गदर 2 का शूटिंग वहाँ पे हुआ था, और रब ने बना दी जोड़ी, और रब ने बना दी जोड़ी भी यहाँ पे शूटिंग हुआ था। अमृतसर का गेट है ये, महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू है। गाइस हम लोग इस ढाबे पे आए लंच करने के लिए, चिकन बिरयानी के साथ दही भी देते हैं। मेरा फेस चेंज हो गया। लाहौर ओनली 24 किलोमीटर और इस्लामाबाद 322 किलोमीटर। ये अटारी गांव है, लास्ट गांव के बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग जा रहे हैं अभी इधर देखने के लिए। तू नहीं लगाएगा झंडा? दस दस लेने पुत्र, ज्यादा नहीं थोड़ी कहना। इंडियन इमिग्रेशन है, ये सब लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, यही लैंड बॉर्डर है। देखिए इतना सारा, हम लोग भी पाकिस्तान जा सकते हैं क्या ऐसा? मतलब उनके बंदे 10 आते हैं, इंडिया से कोई नहीं जाता शायद। जाते हैं हमारे यहाँ सिंधी लोग बहुत जाते हैं भाई, सिंधी लोग जो सिंध से बिलोंग करते हैं ना। हाँ वो सिंध के उधर आधे सिंधी उधर हैं, आधे इधर हैं, वही के रिश्तेदार वहाँ पे है ना भैया, वही छोटे ये देखिए 25 रुपये। पता नहीं ये कैमरा अलाउ करेंगे या नहीं, ऊपर से चार्ज भी नहीं है कैमरा पे,
देखते हैं कितना टाइम तक शूट कर सकते हैं या नहीं। ये बोल रहा है नहीं, मैं अलाउ नहीं, मोबाइल तो अलाउ कर दे, कैमरा अलाउ करेंगे या नहीं पता नहीं, और नहीं करेंगे तो गाड़ी में छोड़ना पड़ेगा सबसे। फाइनली अटारी ऑर्डर में इतना लंबा लाइन, 40,000 कैपेसिटी है, एक बार में 40,000 लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं अटारी ऑर्डर में। अगर गोप्रो अलाउ कर देते लेकिन उसका बैटरी भी नहीं है, स्पेयर बैटरी भी लेके नहीं जाने देते, चेकिंग होता है, देखते लेके जाने देते या नहीं। अभी तो जोश जोश अलग लेवल का जोश होगा, चिल्लाएंगे गला फट जाएगा। देखिए इंडिया का साइड देखिए, वाओ हमारे पीछे देख पा रहे इतना लोग, हजारों लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनको ऐसे लेके आते हैं। वाह साइड चलते हैं उधर। गाइस पाकिस्तान के साइड से एक भी इंसान नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि मैं आप द्वारा जेसीपी अटारी में ली गई फोटो व वीडियोस को जब भी सोशल मीडिया लोग जहाँ पे नॉर्मली बैठते थे तो हम लोग वहाँ पे बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक सर ने मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि तुम क्या अंदर आना चाहते हो, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद मैंने बोला सर मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 3 दोस्त थे। तो सर इतने अच्छे थे और मैंने मेरे जो बाकी 3 दोस्त थे उन्हें भी अलाउ कर दिया। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी अंदर आ चुके थे। गाइस अंदर आके इतना अच्छा लग रहा था, हजारों लोग इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन अपोजिट साइड में पाकिस्तान के लोग मतलब गिने चुने 10-12 मतलब पहले 10-12 लोग थे, और प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद हाईएस्ट 100-150 लोग थे, लेकिन हमारे साइड में 3,000-4,000 लोग थे। इतना बैठने का जगह भी नहीं था, इतना सीट फुल था।
किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है, जब तक की परेड खत्म ना हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान पर छोड़ें। स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार स्वर्ण जयंती द्वार स्टेडियम स्थित एग्जिट वे का प्रयोग करें। एक बार पुनः चुने आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि मैं परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। Hey!